अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज है आपका नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर है बेटा आपका ये एमएस वर्ड का फिफ्थ लेक्चर, ठीक है बेटा। बेटा बेसिकली एमएस ऑफिस का, ऑफिस ना तीन तरह के होते हैं, आपको बताया था, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। वर्ड का बेटा हमने शुरू किया हुआ था, ठीक है, और वर्ड का हमने यहाँ वर्ड का हमने शुरू किया था बेटा। और बेसिकली मैंने आपको वर्ड का होम के अंदर क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग के बारे में समझा दिया है। इंसर्ट के अंदर बेटा हमने कवर पेज के बारे में पढ़ा था। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यारे कवर सुनाए हैं। इसके अलावा ब्लैंक पेज के बारे में, उसके बाद बेटा हमने पेज ब्रेक के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप बोर्ड, वो क्या बेटा, टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं? इससे पहले बेटा आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है बेटा। तो हम अब टाइम वेस्ट नहीं करते, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा देखो, बेटा अब ना हमारा टॉपिक है टेबल्स, ठीक है, कि टेबल्स होते क्या हैं। बेटा टेबल्स के अंदर ना हम देखते हैं कि हमने जब भी कोई लिस्टिंग बनानी है, या हम फर्स्ट के लिए टाइम टेबल बना रहे हैं, हमें उससे भी टेबल की ज़रूरत है। बेटा हम कोई सीरियल नंबर लिख रहे हैं, टेंडर शीट्स बना रहे हैं, उसमें हमें क्या किसी ज़रूरत है, टेबल्स की ज़रूरत है। इसके अलावा बेटा हम अपनी सीरीज बना रहे हैं, हमें उसमें भी टेबल्स की ज़रूरत है। इसके अलावा बेटा आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप बच्चों के लिए बॉक्सेस बनाते हो, उसके लिए भी आपको टेबल्स लाजमी चाहिए। तो बेटा टेबल बनाने का तरीका क्या होता है, बेसिकली हर फील्ड में टेबल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा जैसे कि ये टेबल का ऑप्शन है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये आगे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ना कुछ पहले ये मैनुअल टेबल बने पड़े हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फर्ज करो कि आपने 15 से 16 स्टूडेंट्स की बेटा आपने बनाने हैं, ठीक है, 15 से 16 स्टूडेंट्स का बेटा आपने कुछ ना कर रिजल्ट ना कर देना है आपने, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इस तरह मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या थी, इसकी रोज थी, मतलब रोज कितनी है मेरे पास आई हैं 8, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मैंने कॉलम्स बनाने हैं, मैंने कॉलम्स बना लिए, कॉलम कितने आए हैं 8, मतलब ये 8x8 का टेबल है हमारे पास, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल। देन बेटा देखो टेबल बन गया हमारे पास। अगर टेबल को हमने बड़ा करना है, उसके 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट इस तरह करने के बाद बेटा आप यहाँ पे आकर ना किसी भी लास्ट लाइन पे आके, फिर अगर आपने ऊपर से तो ऊपर से बढ़ा सकते हो, आपने नीचे से बढ़ाया तो आप नीचे से बढ़ा सकते हो, आपने साइड से बनाना है, लेफ्ट से राइट से, वहाँ से भी बढ़ा सकते हो। देखो पहले मैं वापसी करता हूँ, मैंने यहाँ पे आया, मैंने एक वर्ड लिख दिया ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया बेटा, मैंने इधर आया, इंसर्ट पे गया, माउस का मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया किस पे, इंसर्ट पे, ये आ गया। तो मुझे कॉलम चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे ऊपर चाहिए, तो देखो उतने ही कॉलम उसके ऊपर भी बन गए। एक तरीका ये था, अगर मैं ये साइड पे करता तो इतने ही कॉलम वहाँ पे साइड पे बन जाते थे। एक मेथड ये होता है हमारे पास। दूसरा बेटा क्या होता है, वो होता है बेटा, वो होता है मैनुअली, मतलब कि देखो ये इंसर्ट में आई तो क्या ऑटोमेटिक बस माउस ड्रैग किया तो टेबल टेबल बन गया। वो क्या होता है, वो होता है बेटा बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ, वो होता है बेटा ऑटो नहीं होता, वो मैनुअल होता है। यहाँ पे आके ये है इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक कर लेना, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए लिख सकते हो। ऐसे मुझे चाहिए पहले कि एक चाहिए मुझे सीरियल नंबर के लिए, एक कॉलम हो गया, फिर आगे नेम्स का चाहिए 2 हो गया, उसके बाद आगे मुझे काउंटर नंबर चाहिए 3 हो गया। ऐसा मुझे कितने चाहिए, एक माह में ये 3 निकाल के 30 दिन होते हैं, तो 30 को अगर 30 देखें तो कितने होते हैं 33, मतलब बेटा मुझे बेसिकली ना मुझे कॉलम्स चाहिए, कितने चाहिए कॉलम्स, मुझे चाहिए बेटा इसके अंदर 4 या 5 कर लें, कॉलम 5 चाहिए। लेकिन मुझे बेटा इसमें जो रोज़ हैं, मुझे जो रोज़ चाहिए कम से कम भी ना बेटा, मुझे वो रोज़ चाहिए कितनी, 33 लिखता हूँ, 33, ओके। ये देखें 33 का कॉलम मेरे सामने 2 एक की पेज पे आ गया और ये रेडी हो गया। अब मैं जो लिखना है इसके अंदर आसानी से लिख सकता हूँ। अब यहाँ बेटा एक और फीचर है, वो क्या है, ड्रा द टेबल। फिर टेबल को हम किस तरह ड्रा करते हैं, ये ड्रा टेबल, इसमें क्या होता है, देखो क्लिक किया, ड्रैग कर लिया, ये बॉक्स बन गया, ये मैंने इसमें लाइन लगाना शुरू कर ली है, ये अपनी मर्जी का टेबल बना सकते हो, टेबल के यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली बेटा यही था आपका आज का लेक्चर, जैसे मैंने आपको बताना था, देखो ये आपको मैं कलर चेंज कर बताता हूँ, सेलेक्ट किया, ये देखो ये सारे टेबल स्टाइल्स के कलर है बेटा, ठीक है। इसके अलावा हिडर, या फिर आप देखो ना आपको लिखा हुआ है हिडर लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, ये आपको काम की चीज़ नहीं है। बट आप यहाँ पे शेडिंग दे सकते हो, ये आपने कर लिया ना, अगर यहाँ पे आता हूँ मुझे ये शेडिंग चाहिए साथ, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने लिख दिया मुझे ऑल चाहिए, बस ऑल एक शेडिंग भी आ गई बैक पे और आगे लाइन्स भी आ गई, ठीक हो गया बेटा। लाइन्स का मैंने कितना गाइब रहना है, वो आगे से सकते हो, ड्रा टेबल कर सकते हो, टेबल को अरेज भी कर सकते हो कहीं से,
ठीक है बेटा, अब मुझे उम्मीद है कि आपको अपने टेबल वाले टॉपिक के यही की समझ आ गई होगी। चले बेटा, आज का लेक्चर यही था। और आज आपको मैं बताया ना, जो टास्क दूंगा ना, वो टास्क क्या होगा? टास्क क्या होगा बेटा, कि आपने किसी भी 10 स्टूडेंट्स का नेम एंटर करना है और मुझे एक टेबल बना के ना सेंड करना है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का STU, 10 स्टूडेंट्स बेटा। आपने कम से कम भी आपने 10 स्टूडेंट्स का नेम एंटर करना है। ठीक है, पहले सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर रिजल्ट, टोटल नंबर, फिर आगे रिजल्ट। अपनी मर्जी का कोई भी रिजल्ट पकड़ के इस तरह टाइप करो और उन्हें सब बच्चे चेक करवाओ। ठीक है बेटा, बेसिकली ये काम आपका कल 12 बजे से पहले पहले चेक हो जाएगा। और आपका काम, जो काम रह गया था, मैंने कल रात का चेक कर दिया हुआ है। अभी किसी बच्चे का काम चेक नहीं हुआ तो आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं। बेटा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करो, कि हम बहुत जल्दी हम इसके फर्दर प्रोसेसिंग में जा सकें। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।